अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो है ट्रैवल के रिलेटेड। आज मेरा थ्योरी का टेस्ट है, तो मैं प्रिपरेशन करता रहा हूँ, बड़ी टेंशन है। तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। तो आज हम जाएंगे मैनचेस्टर थ्योरी का टेस्ट देने। जी तो गाइस, रात सारी सोया नहीं, मैं थ्योरी की प्रिपरेशन करता रहा हूँ। तो मेरा फेस चेक कर लें, अभी उठा हूँ और आज का दिन जो है थ्योरी है, मेरा टेस्ट है। तो गाइस दुआ करें, देखो रात सारी नींद नहीं आई, थ्योरी की टेस्ट की तैयारी करता रहा हूँ। अभी मुंह हाथ धोएंगे और थ्योरी की टेस्ट के लिए जाएंगे मैनचेस्टर। तो गाइस, आज मेरा थ्योरी का टेस्ट है, जो ड्राइविंग की थ्योरी होती है उसका टेस्ट है। तो मैंने पूरे महीने में उसकी तैयारी की है, तो फाइनली आज का दिन आ गया है टेस्ट देने के लिए। तो आज मैं जा रहा हूँ मैनचेस्टर टेस्ट देने। तो गाइस दुआ करें कि मैं थ्योरी में पास हो जाऊँ, और उसके बाद मेरा जो फाइनल टेस्ट होगा वो सिर्फ ड्राइविंग का होगा। जो थ्योरी टेस्ट है ना, बेसिकली उसमें आपको ना क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं, उनके चार ऑप्शन होते हैं और उसमें से एक सेलेक्ट करना होता है। तकरीबन कोई 800 क्वेश्चन होता है और उसमें से आने होते हैं 50 क्वेश्चन। तो आपको जो चाहिए पास होने के लिए 43 मिनिमम क्वेश्चन चाहिए। अगर आपके 43 से कम आएंगे मार्क्स तो आप फेल होंगे। और एक हैज़र्ड की प्रिपरेशन होती है, मतलब वो वीडियो चला देते हैं और आपने देखना है कि कौन सा हैज़र्ड आ रहा है। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ मैनचेस्टर, तो टाइम में जाऊँगा क्योंकि आज भाई मेरे साथ नहीं है, वो अपनी जॉब पे हैं, तो मेरे पास लाइसेंस नहीं है, उसी के सिलसिले में जा रहा हूँ मैनचेस्टर। तो दुआ करें कि मेरा थ्योरी टेस्ट पास हो जाए, और आज बहुत ही टफ डे है मेरे लिए। तो गाइस चेक करें, मौसम बहुत अच्छा है आज का। तो हमारा सफ़र इधर से शुरू होता है ट्रैम स्टेशन की तरफ, तो हम जा रहे हैं ट्रैम स्टेशन। तो तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा मैनचेस्टर के लिए, तो आगे भी जाना है उसे यूनिवर्सल स्क्वायर में। तो गाइस देखिए, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मेरा व्लॉग है ट्रैवल के रिलेटेड, मेरा थ्योरी का टेस्ट है ड्राइविंग का। तो गाइस प्रे करें कि मैं पास हो जाऊँ। तो आज मैं जाऊँगा मैनचेस्टर फ्रॉम द बस, बिकॉज आज मेरा भाई कहीं गया हुआ है जॉब पर, तो वो मुझे ड्रॉप नहीं कर सकता। तो गाइस अभी हम आ गए हैं बस स्टैंड के पास, तो अंदर से टिकट लेंगे और अपना सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो गाइस ट्रैम स्टेशन भी सामने है और बस स्टेशन भी सामने है, तो हम करेंगे बस वाले रास्ते पे इख्तियार। जी तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ। जी तो गाइस इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ रोटीडेल बस इंटरचेंज, जिसे हम पंजाबी में कहते नहीं लाड़ी अड्डा। तो रोटीडेल के लाड़ी अड्डा पे पहुंच गया हूँ, तो अपनी बस नंबर 17 का इंतज़ार कर रहा हूँ, जो कि वो मैनचेस्टर की तरफ जाएगी। तो बस आएगी इधर सामने। गाइस मैं 17 बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो बस आएगी इस डोर के पास, तो फिर इसमें बैठ जाऊँगा। सब लोग अपनी अपनी बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उधर जो आ रही है ना बसें, वो पैसेंजरों को ले कर आ रही हैं, और इधर से जो बसें जाएंगी ना वो पैसेंजरों को लेके जाएंगी अपनी मंजिल की तरफ। गाइस मैं बस में बैठ गया हूँ, तो सबसे ऊपर बैठा हूँ, तो अभी से बारियाँ आ रही हैं। ये बस का सीन क्लिक करें, सबसे टॉप पे बैठ गया हूँ ऊपर। तो गाइस व्यू चेक करें, तो मेरी थ्योरी भी साथ साथ हो रही है और मैं बस के ऊपर बैठा हूँ, डबल डेकर बस है, सबसे ऊपर बैठा हूँ ड्राइविंग सीट वाली सीट पे। जी तो गाइस फाइनली मैं मैनचेस्टर पहुँच गया हूँ, तो आगे से ट्रेन में बैठेंगे और अपनी लोकेशन पे जाएंगे। ट्रेन गाइस आ रही है, तो जी तो गाइस हम पहुंच चुके हैं पिकाडली। ये मैनचेस्टर का बहुत ही खूबसूरत और बिजी एरिया है, तो इधर आपको
बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आई चेक करें पाकिस्तानी रिक्शे, रिक्शे बनाए हुए इन्होंने, तो आप अपने तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इस वक्त मैं आया हूँ पिकाडली मैनचेस्टर में, तो आपको व्यू दिखाता हूँ चेक करें। रौनक चेक करें माशाल्लाह पिकाडली की। तो गाइस हम अभी पैदल जा रहे हैं पिकाडली सर्कस में, तो हम आपको ब्यूटीफुल सीन दिखाएंगे। इधर भी आ जाओगे आपको इधर रश ही नजर आएगा। पिकाडली की रौनक चेक करें, हर तरफ कितने लोग हैं देखिए। आपको आगे लेके जाता हूँ तो चेक करें। रश चेक करें गाइस, वो सामने गाइस मेन पिकाडली है, और ये पिकाडली की जो पेडेस्ट्रियन है ना पैदल चलने वाले उनके लिए जगह बनाई हुई है स्पेशल। चेक करें, रश चेक करें, आपको हर तरफ रश ही नजर आएगा जिधर मर्जी देख लें। यह है ट्रैम का, ट्रैम जाने की जगह। पिकाडली पिकाडली आ गए, तो आप लोगों ने इधर का एटमोसफेयर चेक किया तो मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस ये गोरा इधर आ गया और इधर डांस कर रहा है। दूसरी लाइव लाइव चेक करें, लाइव चेक करें। डिलीवरी बॉय जा रहे हैं, हार्नडल हार्नडल के बिल्कुल पास में हार्नडल। ये लाइव गाना चल रहा है, तो आपको दिखाते हैं। तो कैसा लगा आपको गाना, कमेंट करके बताएं। स्टोरियां भी सुन रही हैं गाना। It makes me feel so nice. You're my rudder when I'm stuck in the desert. You're the Tylenol I take when my head hurts. You're the sunshine in my life.
तो ही जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। इधर एक छोटी सी ट्रॉली लगी हुई है जिधर से स्वीट कॉर्न वगैरह मिलते हैं और चिप्स वगैरह, फ्राइज, ड्रिंक, आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये जैसे पाकिस्तान में पठानों ने नहीं लगाए होते ठेले फाटकों पे, वैसे ही इसने भी लगाया ब्लैक गाय ने, तो आप इधर से कुछ भी ले सकते हैं। ये सस्ती चीज़ें होती हैं तो आप इधर से ले सकते हैं। तो गाइस मैं इधर से जा रहा था वापस, तो पिकाडली में मुझे ना तलावत की आवाज़ आई, तो मैंने कहा ये तलावत की आवाज़ किधर से आ गई। तो माशाल्लाह चेक करें, एक डेस्क लगा हुआ है, दो बंदों ने लगाया हुआ है, और उन्होंने लगाया हुआ है इस्लाम के ना तलीम देने के लिए या इन्फॉर्मेशन देने के लिए। क्योंकि इधर आप लोग वैसे तो किसी को नहीं दे सकते फोर्स करके, इस्लाम के बारे में नहीं बता सकते। अगर कोई किसका माइंड होगा तो आप लोगों को खुद ही बता देगा। माशाल्लाह इधर तलावत लगाई हुई है भाई ने, चेक करें। Then depart from the place whence all the people depart, and ask Allah for His forgiveness. Truly, Allah is all forgiving, most merciful. What is Islam? Free information. That's good. Guys, I have first time seen this. That in Manchester, someone has done some Islam for Islam. It is also in front of everyone. It is a blessing for all brothers. So, Allah bless them. माशाल्लाह उन्होंने जान माल बचाए हैं और खुशबू छिड़की ऊपर चक्कर। मगरिब का टाइम हो गया ना, तो मगरिब के दान चलाई हुई इन्होंने माशाल्लाह। देखें साइडों पे सारे घोड़े हैं और उन्होंने भाई इतना अच्छा काम किया। चेक करें, ये अर्थी लग के फुटबॉल खेल रहे हैं। ये जो कॉर्न एक्सचेंज है ना, मैं इधर आ रही हूँ, सामने कॉर्न एक्सचेंज है। कॉर्न एक्सचेंज पे हूँ तो चेक कर रही हूँ। ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल पास है, ये इन्होंने शावर लगाए हुए हैं डिफरेंट कलर के। तो गाइस आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म होता है। तो अभी रात हो गई है तो हम अभी घर जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।